हेलो गाइस आज हम ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का अकाउंट सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर फोर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर वन सेवेंटी फोर तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन रीड करेंगे फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ नाना नानी एंड सोना हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल रेशियो क्या बोले है? वो लोग के कैपिटल के ऊपर दिखाना है नाना का वैल्यू कितना है फिफ्टी थाउजेंड नानी का वैल्यू ट्वेंटी थाउजेंड सोना का वैल्यू थर्टी थाउजेंड तो रेशियो क्या आएगा फाइव टू टू इज टू थ्री तो ओल्ड रेशियो इज अ फाइव टू टू इज टू थ्री राइट हम लोग ने कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो के लिए ऑलरेडी मैंने चार्ट प्रिपेयर करके रख दिया है उसके लिए लगने वाले रिवॉल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करके रखा है अभी देखेंगे लाइबिलिटीज एंड एसेट कैपिटल अकाउंट किधर जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में बाद में क्रेडिटर्स इज अ लाइबिलिटी बिल्स पेबल लाइबिलिटी मशीनरी इज अ एसेट बिल्डिंग एसेट स्टॉक एसेट डेटर्स एसेट आर डी डी एडजस्टमेंट के ऊपर देखेंगे क्या करना है फिर कैश एसेट सोना रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर एग्रीड कब रिटायर हो रही है वह फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन और नीचे के जो एडजस्टमेंट दिए उसके ऊपर क्या हुए एग्री हो, हो गई है तो हम लोग क्या करेंगे पहले सब एडजस्टमेंट पहले रीड करेंगे बाद में हम लोग सोल्यूशन के लिए स्टार्ट करेंगे स्टॉक इज टू बी वैल्यू एट नाइन्टी टू परसेंट ऑफ इट्स बुक वैल्यू स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है स्टॉक को स्टार करके लीजिए आर डी डी इज़ टू बी मेंटेन एट टेन परसेंट ऑन डेटस फिर आर डी डी के ऊपर एडजस्टमेंट है आर डी डी को स्टार कर लीजिए द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग is टू बी एप्रिशिएशन बाय 20 परसेंट तो बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है बिल्डिंग को भी क्या करेंगे स्टार केयर के लेंगे द गुडविल ऑफ द फॉर्म बी फिक्स एट रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड कितना बोला गुडविल ट्वेल्व थाउजेंड फिक्स सोना शेयर इन द सेम बी एडजस्ट इन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूस पार्टनर्स इन गेन रेशो कौन सा रेशो से बांटेंगे गेन तो हम लोग ने गेन रेशियो के लिए फॉर्मेट बना के रखा है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे द इंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म बी फिक्स एट वन लैख सिक्सटी थाउजेंड बैलेंस कैर डाउन का अमाउंट ऑलरेडी गिवन वन लैख सिक्सटी थाउजेंड बिटवीन नाना एंड नानी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज फिक्स एट थ्री टू वन मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश बचा हुआ जो कुछ भी डिफरेंस या बैलेंस बचेगा वो किस में ट्रांसफर करेंगे हम लोग कैश में करेंगे और अमाउंट पेबल टू सोना पेड इन कैश सोना का जो कुछ भी बैलेंस बचेगा उसको हम लोग किधर ट्रांसफर करेंगे कैश में ट्रांसफर करेंगे पहला क्या करेंगे हम लोग गेन रेशियो कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे ओल्ड रेशियो क्या दिया है फाइव इज टू टू इज टू थ्री न्यू रेशियो दिया है थ्री इज टू वन फॉर्मूला क्या है गेन रेशियो का गेन रेशियो इज इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो नाना का रेशियो क्या आया? फाइव अपॉन न्यू रेशियो क्या है सॉरी थ्री टू फोर माइनस ओल्ड रेशियो का है फाइव टू टेन राइट तो क्या आएगा 4 into 5 minus 3 into 10 upon 4 into 10. 4 times a 20 minus 3 times a 30 upon 4 times 40 is equal 10 upon 40. 20 minus 30 10 upon 40. Then next. न्यू रेशियो क्या बोला है वन इज टू फोर नानी का माइनस नानी का क्या है टू इज टू टेन इज इक्वल वन इंटू टेन माइनस फोर इंटू टू अपॉन फोर इंटू टेन इज इक्वल टेन वन जा टेन माइनस फोर टू जा एट टेन फोर जा फोर्टी इज इक्वल टेन में से एट गया बचा कितना टू अपॉन टेन रेशियो क्या या टेन इज टू फोर्टी और टू इज टू फोर्टी फोर्टी का फोर्टी राइट रेशियो हम लोग को गेन रेशियो क्या मिला गेन रेशो इज टेन इज टू टू समझ में आया इसको और डिवाइड हो रहा है हो रहा है दैट इज फाइव टू वन फाइव टू ज़ा टेन टू वन जा टू टू फाइव जा टेन टू वन जा टू तो फाइव टू वन रेशो आया बाद में देखेंगे हम लोग एक एक एडजस्टमेंट करते जाएंगे सबका तो कैपिटल बोला है कैपिटल कैसे जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉडा नाना का वैल्यू फिफ्टी थाउजेंड है नानी का वैल्यू ट्वेंटी थाउजेंड है और सोना का वैल्यू थर्टी थाउजेंड है राइट right? हो गया फिर क्यों बोला है क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या नहीं तो डायरेक्टली लिखेंगे इधर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट नाना और नानी राइट अभी तो सोना तो रिटायर हो रही है सोना इसमें आएगी क्या नहीं राइट तो क्या करेंगे क्रेडिटर्स सीधा आउटर में लिखेंगे कितना वैल्यू है टेन थाउजेंड रुपीज बाद में बोला है बिल्स पेबल फाइव थाउजेंड रुपीस बिल्स पेबल फाइव थाउजेंड रुपीस राइट बाद में एसेट में देखेंगे मशीनरी बोला है मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है नहीं है तो डायरेक्टली मशीनरी लिखेंगे कितना अमाउंट बोला है ट्वेंटी थाउजेंड बिल्डिंग बोला है बिल्डिंग इज असेट अमाउंट कितना है फिफ्टी फाइव थाउजेंड एडजस्टमेंट है एक लाइन क्या करेंगे लीव करेंगे देन नेक्स्ट क्या बोला है स्टॉक स्टॉक का वैल्यू कितना बोला है ट्वेल्व थाउजेंड तो लिखेंगे स्टॉक ट्वेल्व थाउजेंड राइट देन नेक्स्ट डेटस डेटस के ऊपर एडजस्टमेंट है है कितना वैल्यू बोला डेटा का भी ट्वेल्व थाउजेंड एक लाइन ड्यू करेंगे बाद में कैश कितना बोला कैश सेवेंटीन थाउजेंड तो लिखेंगे कैश कॉल ब्रैकेट में लिखेंगे सेवनटीन थाउजेंड जैसे आगे और बढ़ेंगे तब हम लोग कैश के अमाउंट एड माइनस करते जाके फाइनल अमाउंट लिखेंगे राइट right? समझ में इतना सबको चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोला है एडजस्टमेंट देखते सोना रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ऑन फर्स्ट अप्रैल 2019 एंड द एंड एडजस्टमेंट वेयर एग्रीड फर्स्ट बोला है स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92% टू परसेंट ऑफ इट्स बुक वैल्यू स्टॉक का वैल्यू कितना है ट्वेल्व थाउजेंड उसका बुक वैल्यू बोला है कितना नाइनटी टू परसेंट तो क्या होगा माइनस होगा लेस रिडक्शन कितना परसेंट हो रहा है एट परसेंट मतलब एट परसेंट कितना आएगा नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी तो नाइन्टी टू परसेंट कितना आएगा इलेवन थाउजेंड रिड्यूस हो रहा है कम हो रहा है तो रिवेल अकाउंट की किधर आएगा डेबिट साइट आएगा तो लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे इनर में नहीं लिखेंगे समझ में आया चलो नेक्स्ट क्या बोला है अभी आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट टेन परसेंट ऑन डेटस लेस आर डी D, कितना परसेंट बोला है टेन परसेंट मतलब वन थाउजेंड टू हंड्रेड बैलेंस बचा कितना टेन थाउजेंड एट हंड्रेड टेन थाउजेंड एट हंड्रेड रिड्यूस हो रहा है मतलब कितना जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में तो लिखेंगे टू आर डी डी अकाउंट कितना लिखेंगे टू हंड्रेड लिखेंगे कैसे देखो आरडीडी की वैल्यू कितनी आए माइनस ट्वेल्व हंड्रेड आया ऑलरेडी कितना माइनस किया वो लोग ने थाउजेंड रुपीज माइनस किया मतलब ट्वेल्व हंड्रेड माइनस वन थाउजेंड इज इक्वल टू हंड्रेड तो आरडीडी का वैल्यू कितना आया टू हंड्रेड नेक्स्ट देखेंगे द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएट बाय 20% ट्वेंटी परसेंट मतलब बढ़ रहा है ऐड add करेंगे एट द रेट एप्रिसिएशन एट द रेट ट्वेंटी परसेंट फिफ्टी फाइव थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट इलेवन थाउजेंड आएगा टोटल होगा सिक्सटी सिक्स थाउजेंड मतलब क्रेडिट साइड जाएगा इधर लिखेंगे बाय बिल्डिंग कितना अमाउंट आ रहा है इलेवन थाउजेंड हो गया अभी और कुछ बचा है चलो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट देखेंगे फोर्थ वाले में क्या बोला है द गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स एट ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज कितना बोला है ट्वेल्व थाउजेंड सोना शेयर इन द सेम बी एडजस्ट इन द सम बी एडजस्ट इन द अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूटिंग पार्टनर्स इन गेन रेशियो किससे गेन रेशो हम लोग ने कैलकुलेट किया है क्या है फोर्टी टेन फोर्टी टू फोर्टी फाइनल क्या है फाइव टू वन तो ट्वेल्व थाउजेंड लेंगे राइट ट्वेल्व थाउजेंड इन टू क्या करेंगे टेन अपॉन फोर्टी किसका है नाना का तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा नाना के लिए वन ज़ीरो कट वन जीरो कट फोर वन जॉ फोर थ्री जा कितना है थ्री थाउजेंड और नानी के लिए ट्वेल्व थाउजेंड इंटू टू अपॉन फोर्टी इज इक्वल वन जीरो कट वन जीरो कट टोटल आ रहा है सिक्स हंड्रेड कितना आ रहा है सिक्स हंड्रेड टोटल कितना हुआ थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो लिखेंगे इधर बाय गुडविल अकाउंट सोना का है कितना है थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो इधर लिखेंगे थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट नाना के कितना थ्री थाउजेंड हिस्से में आए और नानी के हिस्से में सिक्स हंड्रेड आए राइट किसी को कुछ डाउट है डिफिकल्टी से ना बाद में देखेंगे द इंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म भी फिक्स एट वन लैख सिक्सटी थाउजेंड बिटवीन नाना एंड नानी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ फिक्स थ्री इज टू वन मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश वो लोग ने बैलेंस कैरे डाउन का अमाउंट दिया है तो लिखेंगे इधर टू बैलेंस कैरे डाउन कितना अमाउंट बोला है वन लैख सिक्सटी थाउजेंड इन टू नाना का कैलकुलेशन करेंगे नाना का क्या रेश्यो है थ्री टू फोर और नानी का वन लैख सिक्सटी थाउजेंड इंटू वन एच टू फोर इज इक्वल इधर कितना आएगा वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड आएंगे और इधर फोर्टी थाउजेंड आएगा राइट समझ में कैलकुलेशन करना है वन लैख सिक्सटी थाउजेंड इंटू थ्री डिवाइड बाय फोर वन लाख सिक्सटी थाउजेंड इंटू वन डिवाइड बाय फोर तो आंसर इज अ वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड एंड फोर्टी थाउजेंड तो नाना में लिखेंगे वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड और फोर्टी थाउजेंड और कुछ बचा है नहीं तो चलो अभी आगे देखते हैं राइट right? क्या बोला है अमाउंट पेबल सोना अमाउंट पेबल टू सोना पेड इन कैश किस में ट्रांसफर करना है कैश अभी ये लोग का भी सो नाना और नानी का कुछ भी डिफरेंस आएगा वो भी ट्रांसफर किधर करेंगे कैश में तो पहले रिवेल्यूशन अकाउंट क्लोज करेंगे बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाद में बैलेंस शीट अकाउंट क्या करेंगे क्लोज करेंगे तो चलो देखते हैं क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आउटर में लिखेंगे क्रेडिट वैल्यू राइट right? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट अगर लॉस हुआ रहेगा तो क्रेडिट में आता है और लॉस लिखते हैं. कितने का अमाउंट डिफरेंस आ रहा है नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी तो रेशियो क्या है हम लोग का ओल्ड वाला फाइव इज टू टू इज टू थ्री तो उसी से हम लोग डिवाइड करके वो लोग को देंगे नाना नानी और सोना राइट तो इधर देखते हैं रफली बनाते हैं नाना का सॉल्व करेंगे नाइन एट फोर जीरो इंटू फाइव अपॉन टेन नानी इज इक्वल नाइन एट फोर ज़ीरो इंटू टू अपॉन टेन और सोना इज़ इक्ल नाइन ऐट फोर जीरो इंटू क्या थ्री टू टेन तो सबका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ रहा है नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी इंटू फाइव डिवाइड बाय टेन तो आ रहा है फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी इंटू टू अपॉन टेन तो नानी का वैल्यू आ रहा है वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी एट और नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी इंटू थ्री अपॉन टेन तो आ रहा है सोना का प्रॉफिट अमाउंट टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू ऐसे कैलकुलेशन करना है जो अमाउंट प्रॉफिट का है वो लेना है इन टू जो रेशियो दिया है अपॉन टोटल कितना हो रहा है उतना राइट right? तो अभी लिखेंगे इधर नाना वैल्यू इज़ फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नानी वैल्यू इज़ वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी एट और सोना वैल्यू इज़ टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी टोटल आ रहा है नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड इधर टू किधर हम लोग ने ट्रांसफर किया है टू पार्टनर्स कैपिटल तो इधर क्या आएगा बाय रिवेल्यूशन अकाउंट तो इधर लिखेंगे बाय रिवेलूशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट उधर टू है तो इधर क्या होगा बाय जैसे अमाउंट है वैसे उठा के लिखेंगे फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी एट टू थाउजेंड बराबर तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसको क्लोज करेंगे अभी जो कुछ भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग किधर डालेंगे कैश में ट्रांसफर करेंगे राइट किधर ट्रांसफर करेंगे कैश में अभी सोना का वैल्यू देखेंगे क्रेडिट साइड ही दिया है डेबिट साइड दिया है क्या वैल्यू नहीं तो क्रेडिट का वैल्यू कितना है थर्टी थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड प्लस टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू तो कितना हो रहा है थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी टू इधर में भी लिखेंगे आउटर में थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी टू तो इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट कितना है थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी टू राइट समझ में है? बाद में करेंगे नानी का अभी नानी का वैल्यू डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो इधर लिखेंगे फोर्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इधर भी लिखेंगे फोर्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इधर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट तो डिफरेंस कितना हो रहा है माइनस करेंगे फोर्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड माइनस वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी एट बैलेंस कितना बच रहा है एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी टू फिर से देखेंगे नानी नानी का हो गया अभी नाना का देखेंगे नाना का वैल्यू कितना आ रहा है वन लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड वन लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड डेबिट वैल्यू ज़्यादा है क्रेडिट की वैल्यू कम है तो उसमें से हम लोग माइनस करेंगे वन लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड में तो बैलेंस कितना बचेगा सिक्सटी एट थाउजेंड एट्टी सिक्सटी एट थाउजेंड एट्टी तो अभी हम लोग को कैश मिल गया सबका तो कैश का हम लोग क्या करेंगे एसेट में एड और माइनस करेंगे जो क्रेडिट हुआ है उसको प्लस करेंगे जो डेबिट हुआ है उसको माइनस करेंगे देखेंगे इधर लिखा है पहले का सेवनटीन थाउजेंड नाना का वैल्यू कितना है सिक्सटी एट थाउजेंड एट्टी फिर से प्लस नानी का वैल्यू कितना है एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी टू फिर सोना का वैल्यू माइनस होगा कितना है थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी टू तो बैलेंस कितना बचा सिक्सटी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्सटी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी कैश में कुछ डिफिकल्टीज तो बोल देना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अभी कैपिटल अकाउंट बचा है हम लोग ने क्या किया है कैरी डाउन तो निकाला हम लोग ने ट्रांसफर करना बाकी है तो नाना का वैल्यू कितना है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड नानी का वैल्यू कितना है फोर्टी थाउजेंड टोटल हुआ वन लैख सिक्सटी थाउजेंड तो कितना हुआ वन लैख सिक्सटी प्लस सेवेंटी वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड मतलब इधर भी आना चाहिए वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड अगर बैलेंस शीट का अमाउंट आपका दोनों साइड का इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब किधर ना किधर गलती हो गई है कोई तो मिस्टेक हुआ है अगर कुछ भी डिफिकल्टीज लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू